हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलिए। आज वोट किया कि इस बेडशीट को आज चेंज कर देती हूँ। 3-4 दिन से बिछा हुआ था, ये गंदा तो हुआ नहीं था, बट लगा के थोड़ा चेंज करके रूम को थोड़ा सा नया लुक देते हैं। बेडशीट से मैं झाड़ भी देती हूँ, पोंछ भी देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसे धोना ही है। उसके बाद मुझे ये ब्लैक वाला बेडशीट बिछाने का मन करा था, मोजी वाला, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्यूट लगता है बहुत। और इसका मैचिंग मेरे पास कुशन भी है एमओजी वाला, तो आज मन किया कि बेडशीट को बिछा के और थोड़ा वो कुशन को यहाँ पे लगा देते हैं, देखते हैं कैसा लुक आता है। तो बेडशीट यहाँ पे बिछ गया, अब रख देते हैं पिल्लो को। बीच में गैपिंग था तो मैं यहाँ पे एक और येलो कलर का मैचिंग यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद दोस्तों, ये एमओजी वाला कुशन कितना प्यारा दिखने लगा, देखिए एकदम क्यूट दिखने लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा चाय पीने बैठ गए और प्लानिंग करने लगे कि आज थोड़ा सा गार्डन का डीप क्लीनिंग करते हैं। तो गार्डन में डीप क्लीनिंग करने से पहले हम लोग सोचे पहले चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा वाला टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सर्फ ले आई और मैं डाल दी फ्लोर पे। अब इसे रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। वैसे तो फ्लोर बहुत ही साफ रहता है, बट मैं इसे 4-5 दिन में सर्फ डाल करके थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा बढ़िया वाला इतना अच्छा स्मेल आता है ना सर्फ का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मनी प्लांट को थोड़ा सा ठीक करना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको सपोर्ट चाहिए। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि सब काम तो यही कर सकते हैं, सीढ़ी वीढ़ी लगा के इसे करना होगा। और दोस्तों, ये फाउंटेन के पास बहुत सारे जो प्लांट दिख रहा है ना, उसे मुझे ठीक ठाक करना है। बहुत सारे प्लांट सूख गए हैं इसमें, और टर्टल वाइन जो लटक रहा है वो भी बिल्कुल सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे यहाँ पे एक दिन अच्छा टाइम देना होगा और कुछ सोची यहाँ पे कुछ DIY बनाऊँगी, और देखते हैं मुझे कब टाइम मिलता है यहाँ के लिए। ये सब काम से तो पहले छुट्टी मिले, तब तो कुछ मैं सोचूँ DIY करने के लिए। तो दोस्तों, प्लानिंग बहुत सारे हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, बट यही सब काम में से ही समय निकाल के कुछ करना रहता है। देखते हैं कब समय मिलता है मुझे। दोस्तों, बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड स्कूटी को धो के साफ करके पोंछ दिए, और फ्लोर को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिए, और सर्फ डालने से बहुत ही अच्छा एकदम चमक गया, और स्मेल भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ज़्यादातर तो सूट नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि लेट हो रहा था। तो दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर में, जहाँ ऊपर का बैल्कनी को भी क्लीन करना है।
मेरे हस्बैंड सबसे पहले आके पौधों को पानी देने लगे और इसे बढ़िया से नहलाएंगे, साफ सुथरा करेंगे। तो पौधे भी दोस्तों हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं सुबह में कि कब आएंगे हम लोग और इन लोग का सेवा करेंगे। तो पौधे जब इनको देखते हैं या मुझे देखते हैं ना, तो पौधे भी एकदम खुश हो जाते होंगे कि ये अब हम लोग नहलाए जाएंगे। अब देखिए मेरे प्लांट्स का खुशी का ठिकाना नहीं है, खिलखिला खिलखिला के हंस रहे हैं। और इतनी गर्मी पड़ी हुई है ना दोस्तों, बेचारे सब धूप में एकदम, कितने मेरे मनी प्लांट के तो सूखे पत्ते हो गए येलो कलर के, मैं तो कितना फेंक दी। और दोस्तों ये जब रेनी सीजन आएगा ना, तो मेरे मनी प्लांट का ग्रोथ इतना अच्छा हो जाता है ना। अब इतना गर्मी पड़ रहा है तो बहुत सारे पत्ते पीले पड़ के सूख गए। और मैं वेट कर रही कब रेनी सीजन आएगा और मनी प्लांट एकदम हरा भरा एकदम बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से मेरे, मतलब मेरे नहीं, हमारे प्लांट्स को पानी देके और अच्छे से पूरा फ्लोर को देके यहाँ भी चमका दिए एकदम। तो बहुत अच्छे से करते हैं, दो तीन, एक दिन इन्हीं का ड्यूटी रहता है, एक दिन बीच करके दो दिन बीच करके, बाकी दिन तो मैं ही करती हूँ। तो दोस्तों अब मैं सोची कि थोड़ा मोपिंग मैं कर लूँ फटाफट, तो लग जाते हैं मोपिंग के काम में दोस्तों फटाफट। तो मेरा हो गया मोपिंग करना, अब मैं नहा भी ली और कर लेते हैं पूजा। पूजा कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब चलते हैं किचन में। तो ढेर सारे बीटरूट पड़े हुए थे दोस्तों, मैं सोची कि उसका जूस बना लेती हूँ। तो मैं धो के कट करने लगी और तब तक हस्बैंड भी नहा के आ जाएंगे तो ये जूस बना लेंगे इसका। तो दोस्तों बीटरूट का जूस इतना फायदेमंद है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं इसे पसंद नहीं करती थी, मुझे लगता था मैं कैसे पीऊंगी, बट जब मैं बहुत मुश्किल से पी थी फर्स्ट दिन मुझे याद है, लेकिन जब अब तो ये मेरा फेवरेट हो गया और एक गिलास भी हम लोग के लिए कम पड़ जाता है। इतना टेस्टी लगता है ना दोस्तों, इतना मीठा कि मैं क्या बताऊँ। और दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है या ठीक है, जो भी है, तो भी आप इसे ज़रूर पीजिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तब तो आपको कोई दवा लेने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसे डेली आप पीजिएगा डेली सुबह, तो आपका तो हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों मैं फ्रूट्स कट करने लगी। तो दोस्तों हम लोग का ब्रेकफास्ट ज़्यादातर फ्रूट्स ही रहता है। बहुत लोग बोलते हैं फ्रूट से पेट थोड़ी भरता है, पर दोस्तों फ्रूट से पेट भर जाता है, इतना भर जाता है कि हम लोग क्या बताएं। और इतना गर्मी पड़ा ना दोस्तों, रोटी भुजिया पराठा सब्जी ये सब खाने का मन नहीं कर रहा। तो गर्मी के लिए बेस्ट है जूस फ्रूट्स, कभी सत्तू का शरबत हो गया, कभी उत्पम हो गया, ये लाइट, कभी ब्रेड सैंडविच हो गया, ये हल्का फुल्का हम लोग का नाश्ता रहता है ज़्यादातर। तो दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड रेडी कर दिए जूस और ये 5 गिलास, 1 गिलास मेरे बेटे के लिए है, जब स्कूल से आएगा तो पिएगा। मैं सुबह उसके लिए बोलती हूँ बाबू बना दूँ, तो बोलता है नहीं मम्मा मैं नहीं पीऊँगा, बहुत जिद्दी है। तो अभी उसके लिए फ्रिज में रख देंगे और वो आके स्कूल से पी लेगा।
और दोस्तों ये इतना टेस्टी होता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। और दोस्तों ये छिलका जो देख रहे हैं ना, मेरे प्लांट्स खाएंगे तो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं और छिलका मेरे प्लांट्स खाते हैं, तो अच्छा फर्टिलाइजर मुझे मिल जाता है अपने घर से ही। तो दोस्तों आगे अपना प्लेट लेके बेटी के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया तो वो कॉल पे बात कर रहे किसी से, वहीं रास्ता कर रहे हैं, तो मैं प्लेट लेके आगे बेटी के पास खाने के लिए। तो बेटी मेरी कैमरे में आना नहीं चाहती है दोस्तों, तो मैं उसके साथ ही बगल में बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। तो दोस्तों एक प्लेट फ्रूट्स मेरे लिए बहुत है, इतना खाते खाते मेरा पेट भर जाता है। तो दोस्तों ये लास्ट अंगूर और ये प्लेट मेरा फिनिश्ड हो गया। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े थे, सुबह में ही मैं उठ के सबसे पहले वॉशिंग मशीन चला दी थी, अब मैं इसको सब कपड़ों पर डाल देती हूँ, फटाफट मेरे कपड़े सब सूख जाएंगे तो हटा भी दूंगी, अपने अपने जगह पे रख दूंगी। और थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना दोस्तों, सोचूंगी कि अच्छा थोड़ी देर में आगे से डालूंगी, इतना गर्मी किया है कि स्मेल आने लगते हैं कपड़ों से, तो मैं उसे भी डाल देती हूँ। और मेरे कपड़े दोस्तों यहाँ और कुछ मैं रेलिंग पे भी डाल देती हूँ, इतना गर्मी किया है कि सब सूख जाते हैं यहीं पे, धूप में डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो सारे कपड़े मेरे यहीं सूख जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरा नजर गया स्पाइडर प्लांट पे, बहुत दिनों से मेरा ध्यान नहीं गया था। और ये देखिए पीछे में स्पाइडर प्लांट का बेबी प्लांट कितना ढेर सारा हुआ है, और अगर इन सबको मैं बहुत सारे गमलों में लगा दूं तो एक प्लांट से कितने मेरे स्पाइडर प्लांट के प्लांट तैयार हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे मेरे पास स्पाइडर प्लांट हो गए हैं, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ, ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ ड्राई कपड़े थे जिसे मैं फोल्ड करके रख दी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये ढेर लग जाता है, एक दो करते करते बहुत सारे हो जाते हैं, फटाफट से मैं उसे भी फोल्ड कर दी। और दोस्तों आज खाना बनाने का प्लानिंग नहीं है मतलब कि अभी नहीं है, आज मैं सोची कि आज खाना बाद में बनाऊंगी, पहले ये प्लांट पास ठीक करूंगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसे कब ठीक करूंगी, डेली मैं खाना वाना बनाने में लग जाती थी और इसके लिए मैं टाइम नहीं दे पाती थी, तो आज मैं सोची हूँ पहले इसे करके ही जाऊँगी किचन में। तो दोस्तों ये जितने भी टर्टल वन के प्लांट देख रहे हैं ना आप लटक रहे हैं, सब सूख गए हैं, विंटर में सबका हालत एकदम खराब हो गया, लग रहा था कि सूख गया, हालांकि सूखा नहीं है, ये वापस से अगर मैं लगा दूंगी तो ये लग जाएगा। तो जितने भी सूखे पत्ते हैं मैं इसे हटा लेती हूँ फटाफट, क्योंकि ये देखने से अच्छा नहीं लग रहा है।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर दोस्तों।